अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और जर्मनी टेस्ट 6 से। इंतहाई आसान तरीके से लेसन नंबर है 247। हम सीख रहे हैं 42। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो देखते हैं क्या लेसन है। Knoblauch schmeckt toll। Knoblauch schmeckt toll, इसके माने होते हैं लहसुन का जायका बहुत अच्छा है। लहसुन का जायका बहुत अच्छा है, ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। गार्लिक टेस्ट ग्रेट, लहसुन का जायका बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। Ist du Senf? Ist du Senf, इसके माने होते हैं क्या आप सरसों खाते हैं। क्या आप सरसों खाते हैं, इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में। Do you eat mustard? क्या आप सरसों खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से मस्टर्ड, मस्टर्ड को आप कैसे कहते हैं जर्मन में। मस्टर्ड के माने होते हैं सरसों, तो मस्टर्ड को हम जर्मन में क्या बोलेंगे। Senf. Senf. आगे बढ़ते हैं। Das ist das Hauptgericht. Das ist das Hauptgericht, इसके माने होते हैं वो मेन कोर्स है। वो मेन कोर्स है, इसे जो किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। That is the main course, वो मेन कोर्स है। आगे बढ़ते हैं। Schokolade ist keine Vorspeise. Schokolade ist keine Vorspeise, इसके माने होते हैं चॉकलेट एक एपिटाइजर नहीं है। चॉकलेट एक एपिटाइजर नहीं है, ऐसे जुमले में किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में। चॉकलेट इज नॉट एन एपिटाइजर, चॉकलेट एक एपिटाइजर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से मेन कोर्स, मेन कोर्स को आप कैसे कहते हैं जर्मन में। हॉप्टगेरिश्ट, हॉप्टगेरिश्ट। आगे बढ़ते हैं। Die Tomate und der Salat sind lecker. Die Tomate und der सलाद जिंट लेकर, इसके माने होते हैं टमाटर और सलाद मज़े की हैं। टमाटर और सलाद मज़े की हैं, इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। द टोमेटो एंड द सैलेड आर टेस्टी, टमाटर और सलाद मज़े की हैं। आगे बढ़ते हैं। Magst du Knoblauch? Magst du Knoblauch, इसके माने होते हैं क्या आपको लहसुन पसंद है। पसंद है, क्या आपको लहसुन पसंद है, ऐसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। Do you like garlic, क्या आपको लहसुन पसंद है। दोबारा सुनते हैं। Magst du Knoblauch? Magst du के माने होते हैं क्या आपको पसंद है। Knoblauch, Knoblauch के माने होता है लहसुन। क्या आपको लहसुन पसंद है, इंग्लिश में बोलेंगे Do you like garlic? Ist du Senf? तरतीब से लिखते हैं पहले। Ist du Senf? Ist du Senf, इसके माने होते हैं क्या आप सरसों खाते हो। क्या आप सरसों खाते हैं, इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। Do you eat mustard, क्या आप सरसों खाते हैं। Er ist eine Zwiebel. Er ist eine Zwiebel, इसके माने होते हैं वो एक प्याज खाता है। वो एक प्याज खाता है, इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में। He eats an onion, वो एक प्याज खाता है। दोबारा सुनते हैं। Er ist eine Zwiebel. Er के माने होता है वो, ist माने खाता है, eine माने एक, Zwiebel माने होता है प्याज। वो एक प्याज खाता है, इंग्लिश में बोलेंगे He eats an onion. आगे बढ़ते हैं। How do you say appetizer? Appetizer को आप कैसे कहते हैं जर्मन में। Appetizer के माने होते हैं भूख लगाने वाली, इश्तिहा बढ़ाने वाली। तो एपिटाइजर के, एपिटाइजर को जर्मन में क्या बोलेंगे। Vorspeise. Vorspeise. आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं बेड, बेड के माने होते हैं बिस्तर, तो जर्मन में क्या बोला जाएगा। Bett. स्ट्रीट के माने होते हैं सड़क, तो जर्मन में क्या बोलेंगे। Straße. स्कार्फ के माने होते हैं दुपट्टा,
तो जर्मन में क्या होगा? शार। 40 के माने होता है 40, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? 40। लेटस माने होता है सलाद, तो जर्मन में क्या होगा? सलाद। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ऑनियंस? ऑनियंस को आप कैसे कहते हैं? जर्मन में ऑनियंस के माने होते हैं प्याज, तो ऑनियंस को हम जर्मन में क्या बोलेंगे? स्वीबेन। स्वीबेन। आगे बढ़ते हैं। पेयर मैच करते हैं, रशियन को क्या बोला जाता है जर्मन में? रोसिश। बीच के माने होते हैं साहिल, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? स्ट्रैंड। टू स्लिप माने होता है सोना, तो जर्मन में क्या बोला जाएगा? श्लाफन। श्लाफन। ऑनियंस के माने होते हैं प्याज, तो जर्मन में क्या बोलेंगे? स्वीबेन। फाल। फाल के माने होते हैं खजा का मौसम, तो जर्मन में क्या होगा? हर्ब्स्ट। हर्ब्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इस्ट दस क्नोब्लाउख। इस्ट दस क्नोब्लाउख, इसके माने होते हैं क्या वो लहसुन है? क्या वो लहसुन है, ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में? इज दैट गार्लिक, क्या वो लहसुन है? आगे बढ़ते हैं। द एपिटाइजर इज सैलड, इसके माने होते हैं एपिटाइजर सलाद है। एपिटाइजर सलाद है, ऐसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा जर्मन में? द को क्या बोलेंगे? डी। एपिटाइजर को फोरस्पाइजर, इसको इस्ट, सैलड को सलाद। डी फोरस्पाइजर इस्ट सलाद, एपिटाइजर सलाद है, इंग्लिश में बोलेंगे द एपिटाइजर इज सैलड। आगे बढ़ते हैं। देट इज़ एन मैन कोर्स, इसके माने होते हैं वो एक मैन कोर्स है, वो एक मैन कोर्स है, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? डस। देट को बोलेंगे डस, इसको क्या बोलेंगे? इस्ट। आ को आइन। मैन कोर्स को हॉप्टगेरिश्ट। डस इस्ट एन हॉप्टगेरिश्ट, वो एक मैन कोर्स है, इंग्लिश में बोलेंगे देट इज़ अ मैन कोर्स। तो ये तो था आज का लेसन, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।